ये देखो भाई अपना जो है बैकरेस्ट आ गया है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से आया है बैकरेस्ट और आपका लगेज करियर थंडरबर्ड एक्स के लिए। तो चलो इसको फिट करते हैं और कुछ ऐसा लुक आ रहा है और यहाँ लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका वेट कैपेसिटी की बात करें तो 30-35 kg तो आराम से स्टे कर लेगा इसमें और लुक तो बहुत ही मस्त लग रहा है। यहाँ से देखो, साइड से देखो। हेलो एवरीवन, तो होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगा और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग थंडरबर्ड एक्स में लगाएंगे लगेज करियर बैकरेस्ट के साथ वाला, तो जो कि हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा क्या क्वालिटी है और पीछे लगने के बाद कितना वेट झेल पाएगा और गाड़ी का लुक कैसा आएगा, वो सब चीज़ आप लोगों को इसमें फ़िट करके दिखाते हैं। और ये फिट होता है कि नहीं होता है प्रॉपर, वो भी चीज़ चेक करेंगे। तो चलो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका क्वालिटी देखते हैं भाई कैसा क्या है, कैसा पैकेजिंग में आया। येलो ब्लेड, जो थंडरबर्ड एक्स का जो ओनर है वही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है भाई 11 बजने वाला है, दुकान भी नहीं बढ़ाया अपन और इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, दिखाते हैं। क्योंकि मैं अपने गाड़ी में लगाया हूँ ना, अपने गाड़ी में भी सेम लगाया हूँ बैकरेस्ट, तो इनको भी अच्छा लगा तो ये भी अपने लिए मंगाया गाड़ी के लिए कि पीछे बैकरेस्ट रहेगा। क्या पता ये मूढ़ी आदमी है, कभी लद्दाख वद्दाख निकल जाए तो जाओगे ना लद्दाख लगाने के बाद? तो विजय भैया का भरोसा भी नहीं है, पागल आदमी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखो भाई अनबॉक्सिंग हो गया, ऊपर से एकदम सिस्टम से फाड़ो यार, एकदम ऐसा मत फाड़ो कि एकदम हो गए हो, ललचा गए हो आराम से। तो ये सब जो बैंड वैंड हुआ है, इस सब देख के हम लोग इसे पहले भी मंगाए थे लेकिन ना डैमेज आया था बॉक्स, तो उसको हम लोग रिटर्न कर दिए क्योंकि यार उसमें से एक नट ना मिसिंग हो गया। देखो पहले नट है कि नहीं है, दोनों में है ना, नट चेक करो जो उस दिन गैप था। ये देखो भाई अपना जो है बैकरेस्ट आ गया है, ये देख रहे हो, ये है भाई बैकरेस्ट जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और स्पंज भी अच्छा खासा है। विजय भैया नट चेक करो आप पहले, ठीक है, ये दोनों सही है। तो ये देखो भाई पीछे से, ये पीछे देख रहे हो ये मेटल का है, अच्छा है, मतलब हैवी है। और ये जो रॉड दिख रहा है, ये रॉड भी अच्छा, ऐसा नहीं कि लपक रहा है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा पीछे। तो वो सब चीज़ आप लोग को फिट करके दिखाएंगे और इसमें कहाँ से क्या खुलेगा वो सब आइडिया नहीं, अपन कभी खोले नहीं है, तो अपन पहले खोलेंगे उसके बाद इसको हम लोग फिट करके दिखाएंगे। तो ये देखो इसका ये बैकरेस्ट था, बढ़िया लेदर का है और ये रहा स्क्रू इसके साथ आया, बराबर आया, तीन दिया है, एक एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब पिछले बार एक नहीं दिया था तो एक एक्स्ट्रा डाल दिया। तो देखो भाई कुछ ये ऐसा फिट होगा, पहले काम करते ना, इसको पहले फिट कर देते। तो देखो ये जो दिख रहा है ये बैकरेस्ट कुछ ऐसा फिट होगा और उसके बाद यहाँ से जो है नट बोल्ट लग जाएगा। एक काम करें, एक खटा खटाओ, एक डमरू पे रख के फिट करते हैं। तो इस बार जो है फ्लिपकार्ट वाले सही से प्रोडक्ट को दिए हैं, लाओ ये देखो यहाँ पे होल दिख रहा होगा, तीन ठोक नहीं भैया, एक ठोक मिसिंग है आपका स्क्रू, वो एक्स्ट्रा नहीं दिए, एक ठोक लगाना ही पड़ेगा खरीद के। तो ये थोड़ा एक ठोक मिसिंग है, नहीं एक ठोक स्क्रू है मेरे पास, है घर में रखा। ये देखो यहाँ से ये लग गया और ये पीछे से उसका जो है बोल्ट लगेगा, एक सेकंड दिखाते हैं, यहाँ नीचे से आराम से तिरछा जा रहा है। तो इसको प्रॉपर यहीं से फिट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बाइक में ले जा करके फिट करके दिखाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पे बढ़िया से लग जाएगा, हल्का हल्का टाइट कर दो, बाकी पाना से कर लेंगे। और ये वाला इधर लग जाएगा, नहीं इसके लिए वो चाहिए था हमको, क्या एंकर, क्या एंकर, एलंकी है ना, है ना एंकर बोल रहा। देखो भाई ये कुछ इस तरीके से फिट हो गया है, इसको नीचे रखो थोड़ा सा दिखाते हैं लुक। तो भाई ये कुछ इस तरीके से आया है बैकरेस्ट और आपका लगेज करियर थंडरबर्ड एक्स के लिए। तो चलो इसको फिट करते हैं और कुछ ऐसा लुक आ रहा है और यहाँ लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो फिट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सीट खोलेंगे, सीट कैसे खुलेगा, सीट क्यों खुलना है, ये खुलेगा ना, सीट भी खुलेगा ना, सीट खुलेगा तभी आपका कैसा आएगा। नहीं नहीं अरे आप खोलो तो सीट, तो चलो समझाते समझाते थक जाएंगे, पहले खोलते हैं इसको और फिट करके दिखाते हैं, पहले इसको इधर ही रखते हैं। भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सीट खुल करके यहाँ पे कसाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट आपका नीचे से ही लग जाएगा। थंडरबर्ड एक्स में ये जो आपका पकड़ने वाला है ना हैंड ग्रिप वाला, उसको निकालना है और फिर आपका फिट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले चारों नट को खोलते हैं और उसके बाद फिट करके दिखाते हैं आप। तो भाई ये देखोगे तो ये जो आपका पकड़ने वाला जो है ना हैंडल ग्रिप, वो जो है इस साइड का निकल गया, उधर का निकाल रहे हैं और फिर डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है थंडरबर्ड एक्स में, मतलब 5-10 मिनट का ही काम है और अच्छे से फिट हो जाएगा, बस अगर ये वेल्डिंग वगैरह सही से प्रॉपर हुआ हो तो।
तो इसको चलो फिट करके दिखाते हैं। अभी अपन को ना सीट खोलने का भी जरूरत पड़ गया क्योंकि ना कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कैसे लगेगा? दिक्कत नहीं कर रहा है, बनाया हुआ कंपनी ने, थोड़ा देख के सुनो ना। हाँ वैसे डालो। हाँ तो ये देखो भाई, कुछ ऐसा फिट होगा, मेरे को जाना पड़ेगा भाई। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें लगेगा कैसे। तो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो वो सामने वाला बंदा जो वीडियो डाला है ना, वो आधा फिटिंग किया और पोस्ट करके ना दोबारा फिट करके दिखा रहा है कि हाँ भैया फिट हो गया। तो अपन देखते हैं, कुछ इसको लगाते हैं। अपन देख रहे हैं यहाँ पे अभी छोटा पीछे, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। मेरे को लग रहा है टेल खोलने का जरूरत पड़ेगा, ये टेल लाइट तभी होगा। ये डायरेक्ट ना ये फिट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे देखा जाए तो वीडियो में दिखा रहा है डायरेक्ट फिट होगा, लेकिन जो हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाया है ना, वो डायरेक्ट फिट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग अभी ना वहीं पे होगा, उसके लिए भी हम लोग ये टेल जो दिख रहा है ना, टेल लाइट, इसको अपन खोलेंगे। ये टेल लाइट को खोलने के बाद फिट करके अपन देखते हैं कि कैसे होता है, आगे का प्रोसेस देखने के बाद समझ में आएगा। किधर खोला था? इधर ही ना। हाँ देखिए, अभी ये फिट हुआ है और आप लोगों को बता दूं कि फिट कैसे होगा। थोड़ा सा ये तिरछा करके पीछे से नहीं जाएगा, हम लोग पहले गलत फिट कर रहे थे कि पीछे से आराम से रिलैक्स हो जाएगा, ये फिटिंग वैसा नहीं है। थोड़ा सा एक साइड से टेढ़ा, मतलब जैसे ऐसे ऐसे फिट नहीं करना है, थोड़ा सा एक साइड से पहनाना है, फिर इसके दूसरी साइड से, मतलब थोड़ा सा तिरछा करके, क्योंकि दोनों जन का हाथ बिजी था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बट ये फिट हो जाएगा इजी। हम लोगों को कुछ जुगाड़ लगाना नहीं पड़ा, बस यहाँ का देख रहे हैं थोड़ा सा होल मैच करने के लिए दिक्कत कर रहा है एक साइड का। वहाँ का हुआ फिट? एक इसकी लग गया, दूसरा इसकी। हाँ दिक्कत कर रहा है ना थोड़ा सा, कुछ कुछ चीज़ दिक्कत है। वही मैं सोचूं कि ऑनलाइन से आया और बराबर प्रॉपर फिटिंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा रुको, धक्का मारना पड़ेगा। तो चलो आप लोगों को बता दिया, कुछ तिरछा करके फिट करना है, ये आराम से हो जाएगा। अभी फिट करते हैं इसको पूरा और फिर बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ का जो बोल्ट था ये बैठ गया, और यहाँ का भी बैठ गया, यहाँ का भी बैठ गया ना, तीनों जगह का बैठ गया। बट यहाँ पे देखो कि ऊपर से थोड़ा सा बच जा रहा है, पीछे से धकेल के कोशिश कर लिए बट नहीं हो रहा है। तो अपन इसको कहना फाइल से खींचेंगे, तब जा करके यहाँ का जो होल है अच्छा खासा आ जाएगा सेट में, और बिना तकलीफ का ये अपना जो है नहीं आएगा। थोड़ा लूज किया, नहीं आएगा, नहीं आएगा, घिस देना पड़ेगा। तो इसको पहले खोलते हैं और फाइलिंग करते हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर से फिट करते हैं। कि वहाँ से अपन लगेज कैरियर को जो निकाल दिया बैकरेस्ट के साथ वाला, तो इसको ना इस साइड से थोड़ा सा ना घिसते हैं, किधर था भाई, हाँ इस साइड से थोड़ा घिसते हैं, मतलब थोड़ा बाहर की तरफ, तब प्रॉपर फिटिंग अच्छे से आ जाएगा। तो चलो इसको घिसते हैं। तो भाई देखो कि अभी जो होल है उसको काट पीट के थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ताकि ये वाला नट जो नहीं फंस रहा था अपना, वो अब नहीं फंसेगा शायद, मे भी देखते हैं। आगे से आगे सुना इसको, आगे अंदर डालो पूरा दबाव, तभी देखते हैं फटता है बोल रहा हूँ तो अभी देखते हैं भाई फिट होता है कि नहीं होता है। इतना तो कर दिए, कन्फ्यूजन हो रहा है ना बार बार। तो भाई अब जा करके जो फाइनल जो नट का होल होता है वो घुस गया है, मतलब यहाँ पे बराबर से हम लोग घिस करके ला दिए। थोड़ा सा टाइट जा रहा है लेकिन अब जा रहा है बराबर से। तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता ही है क्योंकि कंप्लीट फिटिंग, मतलब कंपनी वाला नहीं है ना, मतलब ऐसे आफ्टर मार्केट है, इस वजह से थोड़ा फिटिंग में दिक्कत होता है, तो वो भी ईजी से हो गया। तो चलो इसको फिट करते हैं और आप लोग को एक प्रॉपर लुक दिखाते हैं कि भाई कैसा लुक आ रहा है थंडरबर्ड एक्स में। चलो इसको टाइट करते हैं। तो भाई ये जो लगेज करियर देख रहे हो ये लग गया है, फिट हो गया प्रॉपर से। थोड़ा सा फाइलिंग करें और फिट हो गया है। और कुछ लुक देखो हल्का फुल्का, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ से अगर साइड से लुक देखोगे तो बहुत ही ज़ोरदार लग रहा है, पीछे हैवी लग रहा है। अभी वो लगेगा सीट वगैरह तो और भी ज़ोरदार लगेगा। बाकी मजबूती की बात करूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत है, अच्छा खासा वेट झेलेगा, मतलब मेरे ख्याल से तो 30-40 किलो तो भाई कम से कम ये वेट ना स्टे कर ही लेगा जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो शॉकअप दब जा रहा है भाई, वहाँ पे रोड उखड़ जा रहा है। ओ भाई तो चलो इसके ऊपर सीट लगाते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। सीट लगाओ, सीट कवर का है ये, दे दो सीट यार, अरे ये वाला उसको छोड़ो ना, टाइट नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, तो चलो इसको पहले लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई देखोगे तो यहाँ पे अपना जो पीछे बैकरेस्ट है बढ़िया सा फिट हो गया, और ये देखो भाई कुछ लुक बहुत ही जोरदार लग रहा है, मतलब अच्छा खासा हैवी लग रहा है। अभी ये नहीं लगेगा ना, क्या चीज वो कहाँ से लगेगा यार, इधर ये होता है ना पंचायती, वो नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा ठीक है। तो देखो इसको लगाओ ना, कवर को लगाओ ना, इसका कोई रोल नहीं, निकल गया ना, उसका जगह वो लगा ना। तो भाई लुक देखो साइड से कुछ ऐसा लुक आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है। और पीछे से कुछ देखोगे तो होगा, तो दिन में एक बार दिखा दूंगा। बाकी ये देखो ओवरऑल लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो भाई इस साइड से लुक देखो बैकरेस्ट और लगेज करियर का, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है थंडरबर्ड एक्स में। और इसकी वेट कैपेसिटी की बात किया जाए तो ये 30-35 kg तक का वेट जो है ना स्टे कर लेगा, मतलब अच्छा खासा हैवी है देखा जाए तो। और लुक तो बहुत ही मस्त लग रहा है, यहाँ से देखो साइड से देखो बढ़िया लग रहा है, देखो हाँ बढ़िया लग रहा है। उतारो गाड़ी को स्टैंड से, थोड़ा बैठो तो समझ आएगा, थोड़ा बैठ करके देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। हाँ बैठ के देखो, थोड़ा सा बैठने में लेकिन दिक्कत करेगा ना, हाँ थोड़ा सा क्योंकि ऊपर है ना, लेकिन पीछे बैठते हैं, रुको मैं बैठता हूँ, बैठ पीछे, सॉरी भाई आराम है यार, पीछे ही तो हूँ यार। अरे दुकान वकान छोड़ के कहाँ जाएंगे यार, रुको हटो उतरो। तो भाई ऐसा देखो लुक, तो भाई ओवरऑल लुक देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया टेल लाइट वगैरह जब जल रहा है तो और भी सुंदर लग रहा है और बढ़िया लग रहा है यहाँ से। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना थंडरबर्ड एक्स में ये जो लगेज करियर और बैकरेस्ट का लुक कैसा आ रहा है निकल करके, ये देखो मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। तो ओवरऑल लुक देखो साइड से दिखा रहा हूँ और पीछे से दिखा रहा हूँ, इंडिकेटर चलाओ, ये देखो भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है लुक, बहुत सही लुक आ रहा है। और इसका वेट कैपेसिटी की बात करें तो 30-35 kg तो आराम से स्टे कर लेगा इसमें, हाँ बहुत है, पूरा शॉकअप दब जा रहा है ना, तो आराम से इसका जो वेट है आराम से ले लेगा, पीछे एक आदमी बैठ सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना। बढ़िया हो गया, बढ़िया अच्छा खासा वेट हो गया, मस्त लग रहा है। तो भाई कुछ ऐसे ओवरऑल लुक देखो यहाँ से साइड से कैसा दिख रहा है, बहुत ही सही लग रहा है साइड से, मतलब हैवी लग रहा है गाड़ी का लुक और थोड़ा सा उभर करके आ रहा है, बाकी मेरे को तो बढ़िया लगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई कर लेना इंस्टाग्राम में भी जा करके और यूट्यूब पे भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।